कहना जरूर कहेंगे कि जो फेरी की बात है वो याद रखना, और जो प्रधानमंत्री जी आए सी फिर नॉमीनेशन नहीं भरन दिते जाने, हुण नॉमीनेशन है तो फिर नोटिस दे के या किसी तरह बुलाया जाएगा, फिर इलेक्शन नहीं लड़ दिते जाणगे। जेड़े बंदे आए हुए किसी तरह कोई सबूत नहीं मिलिया तो उन्होंने कोर्ट बंद हुई है सवेरे 6 बजे। ये दिल्ली सरकार की साजिश है जिदे नाल साडा इलेक्शन खराब करना चाहते, पंजाबियों तो बदला लेना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के लोग कदे झुकने वाले लोग नहीं है, ना ही कदे झुके है। तो पंजाब ने हमेशा कुर्बानियां दित्तियां हैं। मैं चमकौर साहब की धरती तो हूँ, बड़े साहिबजादियां की धरती है, बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह की धरती है, उत्थे जुल्म होए है, जुल्म दे विच बड़े साहिबजादियां ने सिंघां शहीदां ने अपनी जान दित्ती है, उस धरती से उन्होंने खून फुल्लिया है। ऐसी मेरे बजुर्गों ने जेड़े उस समय होंगे उस जुल्म दे साक्षी है, ऐसी वो जुल्म देखे हुए है, ऐसी इन्हां जुल्मां दे अगे झुकांगे नहीं। सानू सिंघां शहीदां दा आशीर्वाद है, पंजाब दे लोकां दा आशीर्वाद है। मैं जे प्रधानमंत्री की फेरी के टाइम लोगों के नाल खड़ा होया तो जे मेरे तो बदला लिया जा रहा है तो अज पंजाब के लोग भी मेरे नाल खड़नगे, मैं उन्होंने पूरी उम्मीद है। मेरे बाप दादे है, मेरे भाई है, मेरे भाई भतीजे है जिन्होंने मैं हमेशा सांभिया, आजाद भी जिताया, 3 बार मैं जितया है, ओपोजिशन लीडर बनया, मंत्री बने है, अज तक मेरे से कोई दाग नहीं, लेकिन किसी तरीके दे नाल दागी करके ये इलेक्शन नू विफल करना चाहते। अरे सारे जने आपस दे विच लड़े हुए है, तुसी ये देखो कि केजरीवाल जी भी मेरे खिलाफ बोल रहे, जब उन्हां दा पार्ट जब चुकिया सी, जब कह रहे थे बंडाटा हुण साडे घर लग्गिया, तां बंडाटा नहीं। मैं कहना जेड़ा बंदा परचे विच नहीं है तुसी उस नू चक लिया, उस नू इंटेरोगेट कर रहे हो, बाकी सारा कुछ तुसी उहदे ते पा रहे हो। मैं कहना ठीक है जी, वह गलत है, फांसी टंगो, पर मैनू फसाउण की कोशिश की, मैनू कादे वास्ते कह के गए हो कि जी नॉमीनेशन नहीं करन देवांगे, इलेक्शन नहीं लड़न देवांगे, के जी इलेक्शन सिरे नहीं लगन देवांगे। ये कैसी गेम है, पंजाब के लोग किस तरह बर्दाश्त करनगे, किन्ने साडे मंत्रियों नूं इस तरह दीआं धमकियां आ रही हैं। मैं इलेक्शन कमीशन नूं बेनती करना चाहुंदा कि जे फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाउणे हैं तां केंद्र सरकार दीआं कोहदीआं साजिशां नूं रोकिआ जावे। साढ़े 4 साल 18 दी FIR है जिहड़ी वी चक्के कार्रवाई कीती है, आ FIR है, इहदे विच नाम भी नहीं है, लेकिन रात रात नाम जोड़ के उन्हों भी बिच घड़ीस लिया। मैं कहना जी रेड कर दे, कोई गल तो हो गए किसी गल पर रेड करो, कोई भी गलत थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली ठीक है करो रेड, लेकिन थोड़ा बेस दस रहा है कि 18 की जी FIR है ये नाम भी नहीं है। जेड़ा मुंडा कुदरतदीप नाल चक्या उस नूं पुलिस केस चो कढ चुकी है, उसने कोर्ट हाई कोर्ट दे विच केस पाया वा, अपनी रिकवरी लेने का खड चली नहीं, तो तुसी उहदे विच इन्हां सारे नूं उलझा के सारे पंजाब दे विच रेडा करके, लेकिन फिर भी मैं कहना कि उहदी जे कोई गलती है तो उहनूं सज़ा मिले, लेकिन अपने कुछ ही साजिश के नाल
कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन बिठाने वास्ते पुराने बदले लेने वास्ते ये जी बदलाखोरी की नीति है वह सानू मंजूर नहीं है। और मैं साडा परिवार पंजाब के लोगों को यही मंग करता है कि असी किसी इन कोरिया शास्त्रों के थले चुकन तैयार नहीं है। असी पंजाब के लोगों के नाल खड़े पंजाब के लोगों के नाल खड़े रहेंगे। पंजाबीयत साढ़े खून में है, पंजाबीयत साडा सुभाव है। असी कदम उच्ची नहीं बोलते, मैं हमेशा सुख मंगदा प्रधानमंत्री जी की, लेकिन इस तरीके के नाल सानू उलझाना साड़ी लाइफ नू खराब करना साड़ी राजनीति नू खराब करना। मैं कहना जी मैनू मार भी दे मैं उहदे वास्ते भी तैयार हाँ। ये तो परचा जब मर्जी चक के अंदर दे देन, मैनू कोई बहुता फर्क नहीं। मैं बाहर भी वह जी खाना खाना अंदर जेड़ा देना वह दे दे, लेकिन किसी तरह भी ऐसी ये नहीं है कि पंजाब के लोगों को पिट दिखा के पिछे हटांगे। पंजाब के लोगों के नाल खड़ांगे, मरांगे, लड़ांगे। हाँ जी यार मेरी गल करो, मेरी गल करो, मंत्री नाल बैठे साड़ी गल करो। ये सारा कुछ कहा गया है इंटरोगेशन वालों के ने, मुझे यही खबर मिली है कि उन्होंने सबसे पहले भी यही से बात शुरू की और खत्म भी यही करके गए कि किसी तरह भी ना इलेक्शन लड़ने देंगे किसी को। खाली मैं नहीं हूं, कितने मंत्रियों को दबाया जा रहा है, कितने मंत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब में हर कोशिश की जा रही है कांग्रेस का इलेक्शन विफल करने की। मेरी बात सुनो, आज तक बीजेपी में कोई आम आदमी से गया है? हमारे आदमियों को बाजू मरोड़ मरोड़ कर लाया जा रहा है ताकि आम आदमी जीते पंजाब में। ये मोदी की सोच है, ये बीजेपी की सोच है। आप देखो आम आदमी को कोई कुछ नहीं कह रहा पार्टी, केजरीवाल जी का समझौता है, कोई कुछ नहीं कह रहा। पंजाब में खुले आम इलेक्शन हो रहा है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमें हर तरह से दबाने की कोशिश है। मैं ये तो वो एक्सप्लेन करेगा जिदे कोल ते किदे किदे कोल ते रिकवरी हुई है, किदे किदे ते पाई गई है। 10 जगह रेड हुई है, नाम एक बंदे दे चले है, ये तो वो एक्सप्लेन करेगा। मैनु इन्हां गल्लां दा क्योंकि सानू तो अजे तक मिलिया ही नहीं, सानू यह नहीं पता वो है कितने, अजे तक सानू यह भी नहीं पता अजे तक है कितने। जिहड़ा परचा होया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीता सी, इहदे विच भी कुछ नहीं सी मिलिया, चलान पेश नहीं होया। इहदा चलान पेश होया लेकिन इह मुंडे ते नहीं होया सी जिहनूं अज रात चक्किया है, परचे चो कढ़िया होया सी। ते इह डोजर उन्होंने उन्होंने किदे किदे खिलाफ बनाए है वो जानते हैं, उन्होंने किनू किदे किदे खिलाफ दिते वो जानते हैं। लेकिन ये इलेक्शन का टाइम है क्यों, 3 महीने में प्रधान मुख्यमंत्री रहा, जद कर लेते जद इलेक्शन जद क्यों, तुम टाइम ही दे।
ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸਲੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ ਮਜੀਠੀਏ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰ ਲੇਤੇ ਰੇਡ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਰੇਡ ਕਰ ਲੇਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕਿਸਕੇ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਲਗੀ ਆਗ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਬਸੰਤਰ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋ ਪਕੜਾ ਥਾ ਤਬ ਤਬ ਕਿਉਂ ਚੀਕ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟਡ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੇ। ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 150 ਬੰਦਾ ਯਹਾਂ ਛੋੜਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੇ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੇ ਮਿਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਈ ਲੋਗੋ ਨੇ ਲਿਆਏ ਤੋ ਇਸਕੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਆ ਥੀ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੁਆ। अरे मेरी बात सुनो, इमिग्रेशन की उसमें वो पार्टनर बाद में बना, ये पर्चा 18 का है, तो पर्चे में तो उसका नाम ही नहीं है, पर्चे को बेस बनाकर उठाया है, पर्चे में उसका नाम नहीं है। कुदरतदीप सिंह के साथ सामने बात आ जाएगी, हम लिखेंगे, अभी तो बात उन्होंने शुरू की है। अरे वो तो सीधी बात है, जो बंदा वहां जिसकी डेथ हुई ब्लास्ट में, वो एक पुलिस कर्मी था, निकाला हुआ और नशे के केस में अंदर था। मैंने यही कहा कि नशों के इससे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि नशों के केस में अंदर था जो मरा वहां। मैं ये जब केस दर्ज हो गया तो समझौते भी हो गए दिल्ली वालों से ठोकने के लिए, हम इकट्ठे हो जाएं, और हो गए। अरे भैया इसका बेस सुनो क्या है, बेस ये है कि प्रधानमंत्री जी की फेरी हुई, उनको वापस जाना पड़ा, उसका बदला और उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरी बात सुनो, लेकिन ये मुझे फंसाने की साजिश है, ये उसको फंसाने की चाह, उसको फंसाना तो रात अंदर करते ना, अगर उसके पास पैसा बन मेरे तक बात नहीं पहुंची तो कुछ नहीं किया। हाँ जी बाजवा साहब ऐसी पब्लिक दे विच जा ही रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी पब्लिक दे विच तुहाडे माध्यम नाल तुहानू दसना चाहते हैं
कि ये धक्का हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, हर किसी के नाल साडे कांग्रेसियों नूं धक्के दे नाल फसाया जा रहा है। ये जुल्म पंजाब के लोग और असी सहण नूं तैयार नहीं।